ये चेहरा धूमिल है, ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का। एक फिल्म में एक प्रति आया। मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। ये बातें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के भाषण के जवाब में कही। इस दौरान स्मृति ईरानी ने एक नाम लिया जिसका आज से करीब 33 साल पहले बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। ये नाम था गिरिजा टिक्कू। आखिर कौन थी गिरिजा टिक्कू? क्यों उनका नाम लेकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को घेरा? इस वीडियो में आपको बताते हैं। कश्मीरी पंडित महिला गिरिजा टिक्कू मूल रूप से कश्मीर के बारामूला जिले की रहने वाली थी और उनकी शादी बांदीपुरा में हुई थी। टिक्कू श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल में लैब अटेंडेंट थी। 1990 के दशक में लाखों कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर कश्मीर घाटी से बाहर जाना पड़ा था। सैकड़ों पंडितों का कत्लेआम हुआ था। इस बीच गिरिजा टिक्कू के परिवार ने भी अपना घर छोड़ दिया और जम्मू के शरणार्थी कैंप में चले गए। हालांकि टिक्कू का कुछ वेतन बकाया रह गया था। जून 1990 में एक दिन किसी ने फोन करके घाटी में अलगाववाद आंदोलन शांत होने का हवाला देते हुए उन्हें वापस लौटकर अपना बकाया वेतन लेने की सलाह दी। टिक्कू सुरक्षित घर वापसी के आश्वासन के बाद स्कूल से अपना बकाया वेतन लेकर सहकर्मी से मिलने उनके घर पहुंची। गिरिजा टिक्कू को इस बात का आभास तक नहीं था कि आतंकवादियों की नजर उन पर थी। घर वापस जाते समय जब वो बस से यात्रा कर रही थी तो आतंकियों ने उन्हें रोक दिया। गिरिजा को बस से निकालकर आतंकियों ने एक टैक्सी में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद 20 साल की लैब अटेंडेंट गिरिजा टिक्कू की सड़क किनारे चत विशत लाश पाई गई। पोस्टमार्टम में बताया गया कि उनके जीवित रहने के दौरान उनका बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया, बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और किसी आरी से उनके टुकड़े कर दिए गए। पिछले साल कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी। इस फिल्म में गिरिजा कुमारी टिक्कू की कहानी का जिक्र किया गया। उनका परिवार आज भी न्याय की राह देख रहा है। स्मृति ईरानी ने भी संसद में इस बात का जिक्र किया। चेहरा धूमिल है, ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का। सुन लीजिए पंडितों की दास्तान आप भी। गिरिजा टिक्कू का ये चित्र है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है। सारी बातें करूं, अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है। उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।